अब घर पे अगर बनाना है पिज्ज़ा तो बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस ना यूज़ करके ये घर की बनी पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करें, जो बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही कम सामान में और 15 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजनिंग कल्चर। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर लिया है जिसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके डाले हैं और लहसुन की 10 से 12 कलियाँ ली है। इन दोनों को अच्छे से हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है और एक बड़ा प्याज बारीक कट करके लिया है, जिसको हमें लाइट पिंक होने तक भूनना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हमारा प्याज बहुत अच्छे से भुन रहा है। इसको भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट हमें लगेगा। तो ये घर की बनी पिज़्ज़ा सॉस बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही बढ़िया होता है इसका फ्लेवर। तो ये देखिए हमारा प्याज ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपना टमाटर का जो मैंने प्यूरी बनाया था वो ऐड करेंगे और इसे भी डाल के हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। टमाटर को भूनने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, तो लगभग 7 से 8 मिनट आपको लगेगा इसको भूनने में, मे बी उससे 1-2 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है। तो टमाटर का पानी पूरा सूखने तक और जब तक टमाटर अपना ऑयल ना छोड़ दे आपको, तब तक इसको भूनना है, जिससे हमारी सॉस थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो, वो जल्दी ख़राब ना हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि जब ज़्यादा ऑयल आप यूज़ करोगे तो आपकी पिज़्ज़ा सॉस उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग होगी, उतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। लगभग 3 से 4 दिन आपकी पिज़्ज़ा सॉस आराम से फ्रिज में रख के चल जाएगी। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे टमाटर अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी छोड़ने लगा है साइड से। तो अब हम इसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, लगभग 2 से 3 टीस्पून आप शक्कर डालिए। तो यहाँ पे मैं लगभग 2.5 टीस्पून यूज़ करी हूँ। इसे एक अच्छा मीठा फ्लेवर आएगा हमारी सॉस में। और ये मैंने विनेगर डाला है लगभग 2 टीस्पून, इससे थोड़ा खट्टा फ्लेवर आएगा। तो इन दोनों को डाल के आपको अच्छे से मिक्स करना है, इससे हमारी सॉस में एक खट्टा मीठा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे सॉल्ट डाला है लगभग 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। देन मैंने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं लगभग 1 टीस्पून, इसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करो जितना आप मिर्ची खा सकते हैं। और इसको डालने के बाद हमने फिर से इसको अच्छे से मिक्स किया है। तो इसको भूनने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, ऐसा करने से आपकी सॉस लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो इसको मैंने काफ़ी भूना था, इससे हमारी बहुत अच्छी सॉस बनके रेडी हुई थी। ये आराम से आप 3 से 4 दिन फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस को आप ब्रेड पे लगा के, सैंडविच में लगा के, किसी भी तरीके से खा सकते हैं और पिज़्ज़ा में तो आप खा ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी सीजनिंग कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है, ओरिगैनो जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, इससे सॉस आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 1 टीस्पून डाला है। या फिर आप जो डोमिनोज का ओरिगैनो का पैकेट होता है आप वो भी 1 से 2 पैकेट डाल सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर मच बेटर हो जाता है। वैसे अभी मैं यहाँ पर नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट आप ज़रूर डालिए अगर आपके पास हो, उससे इसका फ्लेवर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ डाल दिया है हमने और बहुत अच्छे से मिक्स किया है। तो ये मेरी सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, अब हम टेस्ट करके देखते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी सॉस। अगर आपको थोड़ा टेस्ट ऊपर नीचे लग रहा हो तो आप शक्कर या नमक या मिर्च थोड़ा ऊपर नीचे आप बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। मार्केट से भी बढ़िया हमारी सॉस बन के तैयार हुई है। अब आप इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा करिए। जब आपको इसे फ्रिज में रखना हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया हुआ है जिसमें हम अपनी सारी पिज़्ज़ा सॉस भर देंगे। यहाँ पर लगभग 1 बड़ा बाउल हमारा पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हुआ है, जिसके लिए मैंने 3 बड़े टमाटर और 1 बड़ा प्याज लिया था। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल बढ़िया लग रही है ना देखने में। तो इसे आप आराम से 3 से 4 दिन फ्रिज में रख के पिज़्ज़ा के साथ खाइए, ब्रेड के साथ खाइए, सैंडविच के साथ खाइए, या अगर आप पोटैटो फ्राई कर रहे हो तो आप उसमें भी 1 से 2 टेबलस्पून डाल के उसको फ्राई करो, तो बहुत बढ़िया आपका पोटैटो फ्राई होगा जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए हमारी मार्केट से भी अच्छी पिज़्ज़ा सॉस घर पे बनके रेडी हो गई है, जिसको बनाने में केवल 15 से 20 मिनट हमें लगा है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी।
और अगर आपको मेरी रेसिपी हमेशा की तरह पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी ऐसे ही लेकर आती रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।